तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसएससी जेई का पेपर खत्म हो गया। 9 अक्टूबर का और 11 अक्टूबर का मैकेनिकल का पेपर था और आप सभी की आंसर की भी आपके हाथ में आ गई है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है बेटा। बट जब भी एक डाउट हमेशा आता है, जब भी आप अपने पेपर को देख रहे होंगे 9 अक्टूबर का या फिर 11 अक्टूबर का अगर आप पेपर देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन सही है क्या या ये क्वेश्चन सही है क्या, क्या हम इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्या हम इस पे क्लेम कर सकते हैं, क्या हमको लीनियर मार्किंग मिल सकती है, क्या हो सकता है ये, क्या क्वेश्चन गलत है, मतलब ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करें। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको सेपरेटली पर्टिकुलरली इंडिविजुअली कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करना है। आपके बिहाफ पे हमने पूरा पेपर चेक किया है और सारे ऑब्जेक्शन हम खुद फाइल कर देंगे। आपको कहीं भी कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो आपके लिए पूरा तत्पर है और वो खुद ही पूरा ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे हम। आपको कोई भी जरूरत नहीं, कहीं भी एक रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। तो सुन लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन बेटा। देखिए ये है, अभी मैं यहां पर बेटा मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं 9th ऑफ अक्टूबर की। तो 9th ऑफ अक्टूबर की मैं बात करूं तो यहां पर एक क्वेश्चन बेटा देखिए, इस अब हर क्वेश्चन पेपर के सेट अलग अलग हैं। किसी को ए मिला होगा, किसी को बी मिला होगा, कहने का मतलब तो सबके सेट अलग अलग हैं। तो यहां पर बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 9th ऑफ अक्टूबर, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि ये जो पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है कौन सी साइकिल का है। इन्होंने आंसर दिया है कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लगाया ही नहीं, कई सारे बच्चों ने इसका आंसर लगाया ही नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन इन्होंने दिया है कि भैया ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए, ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, ठीक बात है। आपने जो प्रोसेस दिए हैं वो भी ठीक बात है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन, यानी कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन जो डायग्राम बनाया है वो गलत बनाया है। डायग्राम में गलत क्या है बेटा, आप खुद सोचो। चलो आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती, मान लीजिए आपको नहीं पता स्लोप वगैरह, कुछ नहीं पता, कर्व का नेचर भी नहीं पता, डायग्राम पे कैसे बनता है। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर ये प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक है और ये प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक है, तो जो जैसा कर्व ये बनेगा वैसा ही कर्व ये भी बनेगा। अब एक प्रोसेस आपने हाइपरबोलिक बना दिया, एक प्रोसेस आपने वर्टिकल लाइन बना दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। भले से आपने लिखा है लेकिन ये डायग्राम गलत है, ठीक है बेटा। आपने इन्होंने एसएससी जेईई ने कमीशन ने लिखा, सब कुछ सही है, दो कांस्टेंट प्रेशर, दो आइसेंट्रोपिक, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन डायग्राम यहां पर गलत है। तो इसी क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया। रिमेंबर 9th ऑफ अक्टूबर, सेकंड शिफ्ट। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत एक रुपए की भी कहीं नहीं है। आपको कहीं भी कोई पैसा नहीं पे करना, क्योंकि बेटा एसएससी जेईई में हर साल गलत आंसर आते हैं। आप कितने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, फॉर्म भरेंगे, टिकट कराएंगे, मेहनत करेंगे, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, कितना करेंगे, तो आपके बिहार पर वो पूरी चीज हम कर देंगे। अब देखिए बेटा इसका ऑब्जेक्शन हमने कैसे फाइल किया, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने इसका एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है। अब जो पेपर मैंने अभी दूसरा पेपर, मेरे पास बहुत सारे पेपर आए हैं अलग अलग, लाइक ए कोड, बी कोड, अलग अलग जो भी कोड है सबके पेपर आए हैं। तो इसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें 22 है, इस वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है। आप सभी दिए होंगे तो आपको पता होगा, फर्स्ट पेपर होगा, आप देख लीजिएगा। तो बेटा देखिए ऑब्जेक्शन कैसे फाइल किया जाता है, और हमने आपको बताया है कि क्या हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है और रेफरेंस हमने क्या दिया है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे बेटा आपको कोई ना कोई रेफरेंस जरूर देना पड़ेगा। अब जरा देखिए हमने इसमें लिखा, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया इसका हमने क्या ऑब्जेक्शन इस पे लिया है। देखिए हमने लिखा है यहां पर कि ऑब्जेक्शन क्या है कि द प्रोवाइडेड पीवी डायग्राम, बेटा ध्यान से देखना, द प्रोवाइडेड पीवी डायग्राम फॉर द ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज इनएक्यूरेट। जो आपने डायग्राम बनाया है पीवी डायग्राम वो इनएक्यूरेट है, क्यों? बिकॉज वाइल द प्रोसेस आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इज नॉट एक्यूरेटली डिपिक्टेड इन द डायग्राम। आइसेंट्रोपिक जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो आपने एक्यूरेटली नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेटली दिखाते तो बेटा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन पीवी डायग्राम पे कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं बनते, ये बनेंगे ऐसे हाइपरबोलिक लाइन, है ना, तो कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं बनेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, कॉमन सेंस भी लगाइए, अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऐसा है, हाइपरबोलिक है, तो ये वर्टिकल लाइन तो होगा नहीं, वर्टिकल लाइन तो हो ही नहीं सकता। अगर वर्टिकल लाइन सोचिए हो गया, इसका मतलब यहां पर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आपने, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो कंप्रेसर में फिर आपने क्या कंप्रेस किया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आपने कंप्रेसर में क्या कंप्रेस किया, ठीक है ना, तो ये चीज यहां पर नहीं होगी। दूसरी चीज, अब हमने बेटा रेफरेंस यहां पर क्या दिया, देखिए रेफरेंस हमने दिया है, किस बुक का हमने रेफरेंस दिया है, फॉर द रेफरेंस वी हैव अटैच्ड अ डिटेल्ड पीवी डायग्राम फॉर द ओपन साइकिल गैस टरबाइन, तो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स बाय बी के वेंकणा का हमने यहां पर रेफरेंस दिया है, पेज नंबर 37, और वो ऐसा है, ऐसा हमने रेफरेंस यहां पर दिया हुआ, थोड़ा सा बेटा ब्लर दिख रहा होगा आपको, बट आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये हमने यहां पर रेफरेंस दिया हुआ है, गैस साइकिल टरबाइन का पूरा यहां पर थ्योरी लिखी है, उसके बाद यहां पर इसके डायग्राम भी यहां पर बने हुए हैं।
ठीक है ना। तो पीवी डायग्राम देखिए ये होता है, ऐसे बनता है साइकिल, दो हाइपरबोलिक लाइक दो ऐसे कर्व प्रोसेस और दो आपके हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन तो हो नहीं सकती बेटा। और भी कुछ क्वेश्चन बच्चों को डाउट है, एक क्वेश्चन इसी में आपको दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में दिखा दे रहा हूं उसमें क्या गलती है। ऐसा बच्चे पूछ रहे हैं क्या उस पर भी ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए? तो बेटा मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि देखो आपके एंड से कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। आपके एंड से कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत नहीं, जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे हम खुद फाइल करेंगे। दूसरी चीज, क्या इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बेटा, देखिए सर इसमें बेटा क्या है, देखिए एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिसमें आपको टी लोअर दिया हुआ है, कितना 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है बेटा 278 केल्विन। टी हायर आपको दिया है कितना 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 313 केल्विन, कितना होता है 313 केल्विन। अब आपसे यहां पे पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में HRR कितना होगा, यानी कि हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होगा। HRR आप जानते हैं कितना होगा, HRR बेटा आपका होता है यहां पर 1+1/COP। अब COP कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, HRR या H हीट रिजेक्शन फैक्टर, हीट रिजेक्शन रेशियो मैंने आपको कितनी बार YouTube पे कराया है। इस बार यहां पर देखिए निकालेंगे आप COP कैसे निकालेंगे, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर से निकालेंगे। तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, टी लोअर कितना है 278 है अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, 313 माइनस 278 कितना आ जाएगा 35। सो 35 कर लीजिएगा, यहां पे COP आएगी 7 point something whatever कुछ करके आएगी, तो COP आ जाएगी 1/COP करिएगा, 1 ऐड करिएगा आपका आंसर आ जाएगा 1.25। आंसर तो सही आ रहा है, सब कुछ सही है, बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन बेटा देखो SSC JEE में हर साल प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर साल होती रहती है SSC JEE में, कुछ ना कुछ कहीं गलत लिख के आ जाता है, कहीं कुछ ना कुछ लिख के आ जाता है। अब यहां पर देखिए बेटा क्या है कि इन एक्चुअल एयर कंडीशनिंग अगर बेटा आप एक्चुअल एयर कंडीशनिंग ले रहे हैं, आप सोचिए कि अगर आप एक्चुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ले रहे हैं तो एक्चुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की COP आप टेम्परेचर लिमिट से कैसे निकालेंगे? एक्चुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की COP आप टेम्परेचर लिमिट से नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, लैंग्वेज की दिक्कत है, अदरवाइज मतलब अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब आपको भी नहीं बोल सकते कि आप कंप्लेंट फाइल करिए, या हम भी इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत से एक लैंग्वेज की मिस्टेक है। बाकी जो डेटा है, जो गिवन डेटा है, उससे आप आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर आप आंसर ना निकाल पाते तो हम इस पर कंप्लेंट फाइल कर देते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है बेटा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, क्वेश्चन नंबर 80 80वां क्वेश्चन, उसमें क्या दिक्कत है वो भी आपको दिखा दे रहा हूं। ऐसे में 11 अक्टूबर का पेपर में क्या दिक्कत है बेटा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, इस बारे में अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किस पे। देखिए एक क्वेश्चन और है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल गैस प्रोसेस हैज द हाईएस्ट पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, किस प्रोसेस की जो कौन सा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसा है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था जिस दिन हम एनालिसिस ले रहे थे। बेटा देखिए हम पढ़ते हैं नॉर्मली, हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं ना कि एन की वैल्यू अगर जीरो होती है तो प्रोसेस बेटा क्या होता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अगर एन की वैल्यू बेटा हमारी वन होती है तो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल होता है, अगर एन की वैल्यू हमारी गामा होती है तो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक होता है, अगर एन की वैल्यू हमारी इन्फानाइट होती है तो प्रोसेस हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है। अब कंफ्यूजन लोगों क्या आया बेटा, एन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या है, इन्फाइनाइट। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हम नॉर्मली पढ़ते हैं बेटा कि एन की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके गामा के बीच में होती है। बिल्कुल ठीक बात है, एन की नॉर्मल वैल्यू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की जनरल वैल्यू 1 से गामा के बीच में होती है। तो अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे तो SSC JEE आपको रिवर्ट कर सकता है ये भी कि हमने नॉर्मल वैल्यू तो पूछा ही नहीं है, हमने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हमने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा इस पे ऑब्जेक्शन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, तो इस पे ऑब्जेक्शन फाइल करने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल रेंज ये है, 1 से गामा के बीच में नॉर्मल रेंज है, बट मैक्सिमम वैल्यू आप सभी जानते हैं कि हम इनफाइनाइट लेते हैं, भले ही प्रैक्टिकल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन करने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर होती तो हम ऑलरेडी कर देते जैसे विद ऑल द प्रूफ्स, ठीक है। सो बेटा इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और आपको अगेन कि कोई भी पैसा कहीं भी पे करने की जरूरत नहीं है, हमने सारे ऑब्जेक्शन जितने भी हैं पेपर में शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में सारी ब्रांचेस में हमने सारे ऑब्जेक्शन खुद ही फाइल कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर करें अपने बच्चा ग्रुप में और बच्चों को बताएं जिनके क्वेश्चन गलत हैं, जिनको कंफ्यूजन है उनको इस बात से अवेयर करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।